हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक दूसरे नए वीडियो में। मैं आया हुआ हूँ कछौछा में मखदूम अशरफ साहब के मज़ार पे। तो इधर मार्केट साइड में आया जब, तो सोचा कि मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए, यहाँ के भी मार्केट को। पिछली वीडियोस में मैं अजमेर गया था, तो उधर का भी आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, और मैं दिखाऊंगा यहाँ का कुछ, मतलब उसी टाइप का मार्केट है जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टाइप का गली है, उसी में तरह तरह के, मतलब एटीएम वगैरह का, यहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम वगैरह यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो यहीं शॉप से लोग पैसा निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं खास ये सब मज़ार वगैरह मेला में ये सब खाने के, मतलब पकवान, क्या चीज़ है भैया ये सब देख रहे हैं? मिठाई किस तरह की मिठाई है? ये सूखा सोहन पकड़ी बोलते हैं, रबड़ी है, सोहन पकड़ी है। ये बेसन का बनता है, मूंग के बेसन का है, चने के बेसन का है, मावे का बनता है। क्या मतलब क्या रेट है सबका? ये वाला 140 रुपये किलो, 120। ये शीशम जो लगा है 240 रुपये किलो का। ये मूंग के बेसन का बनता है और ये वाला मावे का बनता है। मतलब ये सब, मतलब घर पे आदमी आए खा सकता है, मतलब खराब नहीं होता है? नहीं, खराब नहीं है। देख सकते फ्रेंड्स, इस टाइप का कुछ यहाँ पे आप मज़ार वगैरह आते हैं तो इस टाइप का मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है ये सब चीज़। तो आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको और मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ चल रहा है, कुछ बर्तन के दुकान है, मतलब यहाँ पे आपको हर तरह का सामान उपलब्ध हो जाएगा इस गली में। यहाँ पर लोग आते हैं अपने शिफा होने के लिए, मतलब ठीक होने के लिए, कुछ ऊपरी मामला वगैरह रहता है तो यहाँ के लोग ठीक होते हैं। उधर का भी मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में आगे चलकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गली में कई सारी मस्जिदें भी यहाँ पे हैं, नमाज पढ़ सकते हैं इसमें आकर। और स्टे करने के लिए भी यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको रूम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कई सारे, मतलब होटल्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर आकर आप रह सकते हैं कछौछा में। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा कुछ मार्केट है यहाँ का, और मज़ार भी आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या सिनेरियो है, वहाँ पे क्या चीज़ है नहीं है। यहाँ पे नीर शरीफ पानी भी है, जहाँ पे कहा जाता है कि मतलब किसी पर अगर जादू टोना अगर कुछ हुआ रहता तो उस पानी में नहाने पर वो ठीक हो जाता है।
भैया आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जावेद। जावेद नाम हुआ आपका? जी जी जी, मेरा नाम जावेद ही है। वाह तो जी बताएं, ये सब कपड़ा जो आप, ये दुपट्टा है? जी दुपट्टा है। तो क्या रेट है इस सबका, दुपट्टे का? ये 100 रुपया है। 100 रुपये जी। और ये सब ऊपर, ये सब ये स्टॉल है? स्टॉल है, स्टॉल है, स्टॉल है जी। ये सबका क्या प्राइस होगा? 100 रुपया। 100 रुपया जी। सब अलग अलग वैरायटी के साथ। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, कछौचा में ये जावेद जी का शॉप है। और यहाँ पे काफ़ी, मतलब मैं कंपेयर किया एक दो दुकान को, इनका रेट भी सही रहता है जैसा कि मैं देखा। और आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ वैरायटीज इनके यहाँ है, सूट वगैरह। सूट भी है? अच्छा, सूट नहीं है, वो स्टॉल वगैरह ये सब चीज़ है इनके पास अवेलेबल। ये सब आप देख सकते हैं, घर में लोग सजाते वगैरह है, ये सब सामान इनके यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर सामान है। अगरबत्ती स्टैंड वगैरह है, अंगूठी वगैरह है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे इस मार्केट में एक दही बाड़ा की दुकान मिली, कुछ दही बाड़ा यहाँ पे बचे हुए हैं, तो ट्राई करूँगा मैं खाकर। यहाँ पर दही बाड़ा वगैरह का भी दुकान है, तो देखता हूँ कैसा टेस्ट होता है, फिर आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं दही बाड़ा को कुछ इस टाइप से रेडी किए, टेस्ट करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राम लोचन गुप्ता। और ये दही बाड़ा कब से बना रहे हैं आप? हम 1984 से बना रहे हैं। 1984 से? हमको लगभग 40 साल हो गया। 40 साल हो गया बता रहे हैं। कैसा, मतलब चल रहे हैं यहाँ दही बाड़ा? जब 25 पैसे का चार्ज बिकता था तब से बेच रहे हैं। अच्छा, ये आपका घर है? जी मेरा घर है, ये घर में ही है। आपने शॉप खोल दिया है? हाँ, पहले मेरा मलंग गेट के अंदर था। आप देख सकते हैं मधेशिया चाट भंडार। अच्छा लगा इनका चाट भी, मतलब एक्सपीरियंस बता रहे हैं, काफ़ी पुराने समय से ये बना रहे हैं चाट, तो अच्छा ही होगा यहाँ पे चाट वगैरह भी। देख सकते हैं आप, यहाँ फ्रेंड्स ख़त्म हो चुका है, इतना अच्छा ये बनाते हैं चाट। मैं अगर फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ कछौचा साइड अगर आते हैं यूपी में, तो यहाँ के आप इनका ज़रूर ट्राई करिएगा आके, दही बाड़ा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका चाट, ये पानी पूड़ी, काफ़ी भीड़ लगी है यहाँ पानी पूड़ी के भी दुकान पर। पानी पूड़ी ऐसे भी फीमेल लोगों का फेवरेट ही होता है। यहाँ जूस वगैरह भी है, मतलब ऑलमोस्ट पहले इतना नहीं डेवलप था, लेकिन अभी देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ये इस एरिया भी डेवलप कर चुका है पहले से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 100-120 इस रेट का भी चप्पल है, और कुछ अलग प्राइस रेंज का भी है। जूती सब कितने का है भैया? जूती भाई अलग अलग रेट, मतलब जूती अलग अलग रेट। क्या क्या प्राइस है, मतलब शुरू हो रहा है क्या? हमारे पास 200 से स्टार्टिंग है जूती में। 200 रुपये से बता रहे हैं कि स्टार्टिंग है इनके पास। काफ़ी सुंदर सुंदर जूतियाँ भी हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस मार्केट के अंदर में था, और जब आप बाहर से आएंगे तो ये सलामी दरवाज़ा कहलाता है, ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है समय का। यहाँ पे ईख वगैरह मिल रहा है, ईख वगैरह इधर बहुत खेती होता है, गन्ना देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा गेट था देखिए फ्रेंड्स, सलामी दरवाज़ा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खाने का कुछ डिफरेंट टाइप का आइटम्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं हलवा वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स से बना हुआ रहता है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी। और ये पराठा है, कुछ इस टाइप से लोग इसको पका रहे हैं।
तो मतलब इसी टाइप का कुछ मार्केट था, जैसा कि आप पिछले भी कई वीडियोस में देखे हैं मज़ार वगैरह का। तो यहाँ आया हुआ था मैं, इधर ट्रैवल कर रहा था इन सब चीज जगहों पे, तो सोचा कि आपको ये दिखाऊं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फकीर लोग भी हैं यहाँ पर। क्या चीज़ का हलवा है ये? सूजी का हलवा। खिलाइए, कितने रुपए का है? 120। मतलब हमको खाना है, कितना दीजिएगा? मतलब 120 में खिलाइए मेरे को। 30 रुपए का पाव ही खिलाइए। और वो पराठा मिक्स करके अच्छा दीजिए। हाँ खाना है मेरे को। देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब दोनों को मतलब साथ में तौल के देंगे। हाँ खाना है, कुछ इस टाइप का प्लेट में दे रहे हैं। देखता हूँ उसको टेस्ट करके कैसा लगता है, फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको मज़ार दिखाऊंगा, यहाँ का मज़ार जो है। चलिए आगे दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटल वगैरह भी मिल रहा है। वो जो नीर शरीफ का पानी है ना, उसमें फिल करके लोग भी ले जाते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स यही कुछ है मखदूम साहब का ये मज़ार। यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं अपने इलाज करने के लिए, रूहानी मेडिकल जो भी इश्यूज होता है यहाँ पे लोग ठीक होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का मतलब सुनवाई होता है काफ़ी लोगों यहाँ आने से। अगर आप लोग भी परेशान हाल है यहाँ आकर आप ठीक हो सकते हैं, जैसे यहाँ लोगों की आस्था है। रात हो चुका है टाइम, उसके वजह से ये बंद हो चुका है, यहाँ का मज़ार बंद हो जाता है शाम को। तो यही मज़ार है मखदूम साहब का। पागल मेरे दीवाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चादर वगैरह भी यहाँ से लोग लेते हैं, यहाँ पे शॉप से इत्र वगैरह की यहाँ से लोग चादर लेके चढ़ाते हैं। रात का टाइम हो गया इसीलिए काफ़ी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये खाली है, ये तो काफ़ी लोगों से ये भरा हुआ रहता है ये मार्केट। तो कुछ इसी टाइप का यहाँ पे दुकान है और ये मेन मज़ार है यहाँ। अंदर तो वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है, आपको कुछ पिक्स मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो आप देख सकेंगे। ये भाई साहब आपका नाम क्या है? मेहताब आलम। मेहताब आलम जी का ये दुकान है। यहाँ पे मतलब लोग आते हैं, आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें देते हैं? यहाँ पे चादर है, फूल है, सिन्नी है, अगरबत्ती है, ये सब चढ़ता है। यहाँ पे आकर क्या क्या चीज़ मतलब लोगों को आप देते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए? चादर देते हैं, सिन्नी देते हैं, फूल देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये सब जो चादर है इसका क्या रेट है आपके पास? मतलब ये देख रहे हैं कि सिंपल है और ये क्या रेट है? हमारे पास 50 की है, 100 की है, 200, 250, 300, 500, जैसी लेना चाहते हैं, 2000, 4000 कुछ इस टाइप का। अत्र वगैरह भी आप रखे हुए हैं? बिल्कुल, अलग अलग वराइटी। हाँ तो मतलब बहुत भीड़ हो रहा है अभी, तो खाली है मतलब बंद हो चुका है, तब लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ अभी अभी हर नौचंदी में जो है भीड़ यहाँ पे होती है, हर नौचंदी में होती है, बीफे के दिन भी होती है। ऐसे नॉर्मल डेज से ज़्यादा भीड़ होती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रीज़न है? रीज़न तो यहाँ पे जो है मखदूम पाक की बारगाह में जो सब आते हैं, मखदूम पाक का करम है कि सबको यहाँ पर शिफा मिलता है। देख सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे खजूर वगैरह आप फातिहा वगैरह करा के ले जा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से मतलब वगैरह ठीक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यही कुछ था फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सब चादर वगैरह हो गई, वहाँ पे लोग जाके उनके मज़ार पे पेश करते हैं।
तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये आगे मैं जा रहा हूँ मखदूम बाबा के मज़ार के बाद मैं आगे बढ़ा तो ये शीशे की मज़ार है। शीशे की मज़ार आपको दिखाता हूँ, लोग इसे शीशे की मज़ार मतलब बुलाते हैं, पहले से दिखाता हूँ। दिखाइएगा, अच्छा अतर दिखाइए। क्या मतलब स्मेल वगैरह, ये क्या है, शीशी है? क्या है अतर का नाम? इस टाइप का मत दीजिए, थोड़ा स्वीट टाइप में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी इत्र की वैरायटीज थी, तो मैंने सोचा एक अतर लिया जाए क्योंकि तो मुझे बहुत पसंद है मतलब अतर वगैरह, तो परचेस कर रहा हूँ। पता नहीं फ्रेंड्स, सबका एक टाइमिंग होता है बाजार का, तो ये भी बंद ही हो चुका है, क्या ही कहूँ अब। आप तो ये भी मज़ार बंद ही हो गया सर, शीशे वाली मज़ार है ये। चलिए कोई नहीं, फिर कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा।